वेलकम यूट्यूब चैनल विक्रम बटालवी। तो अज जी असी जा रहे हैं जी सोनमार्ग, तो सोनमार्ग के भी नज़ारे काफ़ी अच्छे ने, उत्थे भी काफ़ी एक्टिविटी करन मिलनगी है जी। तो जिहड़ा अज का मौसम है जी वो क्लाउडी है, बिल्कुल धुप है नहीं है जी, और ठंड भी काफ़ी है और हवा काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है जी। तो ये मेरे होटल का नज़ारा जी बैक साइड का। तो सानू जी उत्थे पहुँचन दे विच 2.5 घंटे लगनगे जी श्रीनगर तो, और 80-85 किलोमीटर है जी। तो हो सकता जी कि सानू पहला ही उत्थों 8 किलोमीटर सोनमार्ग तो पैदल या घोड़ियां ते जाना पवे, क्योंकि कह रहे ने जी कि रस्ते दे विच थोड़ा बहुता कम भी चल रहा और स्नो भी काफ़ी है साइड ते। तो चलो जी फिर मिलते हैं आपां थोड़ी देर तक। हमें लग चुकी है जी भूख, तो अब हम करेंगे यहाँ पर ब्रेकफास्ट। ये है सिंध व्यू ढाबा, तो इसकी जो लोकेशन है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो आपको हम अभी बताते हैं जी कि कैसी है इसकी लोकेशन, और पीछे इसके देखो जी कितना बढ़िया है, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है इसका। तो देखो कैसा व्यू है इसका, बहुत बढ़िया व्यू है इसका। तो पीछे से ये दरिया है जी काफ़ी, और ठंडी हवा आ रही है, बहुत खूबसूरत देख सकते हैं जी मेरे पीछे का नज़ारा। तो थोड़ा सा और नज़दीक जाकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जी। देखो जी ये है इसका नज़ारा, तो आप यहाँ बैठ के अपने जो भी आपने खाना वो खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से नज़ारे हैं इसके पीछे भी। तो लो गाइस हम पहुंच चुके हैं जी सोनमार्ग। तो यहाँ 6-7 किलोमीटर जो है हमें घोड़े से जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे लैंडस्लाइडिंग हो रखी है, तो आगे तक गाड़ियाँ नहीं जाती। तो यहाँ से जी 1000 रुपये में हमने घोड़ा किया है एक। तो हम जा रहे हैं जी, तो इधर के नज़ारे देखो जी सोनमार्ग के। तो आप जब भी आए जी ये घोड़े वाले से मोल भाव जरूर कर लें जी, काफ़ी पैसे मांगते हैं, 1500 मांगते हैं, कोई 1700 मांगते हैं, पर फर्स्ट पार्क में लेके जाएंगे सेकंड वाले पर 1000 रुपये तक ये मान जाते हैं जी। ये बहुत कुछ आगे बोलते हैं जी कि हमने पुलिस वाले को भी देने हैं, ये करने वो करने हैं, ये है वो। तो ये अपनी भाषा में जो बातचीत करते हैं जी, तो हमें उस चीज़ का पता नहीं चलता कि क्या बोलते हैं क्या नहीं। तो आप ये नज़ारा देखो जी, तो यहाँ कोई बोलेगा जी भी गाइड ले लो, हाँ फोटो शूट आप ही कर देंगे, ये है सर जी रखो हाथ में, हाँ यार इसको पकड़ो इसको इसको, अच्छा ऊपर करके रखना इसका। तो साइड में नदी चल रही है जी, तो यहाँ से जो सोनमार्ग है 9 किलोमीटर बता रहे हैं। तो
ये ऊपर लिखा हुआ, तो वहाँ पर हम जाएंगे, आगे देखते हैं क्या है। तो पहाड़ी पहाड़ हैं चारों तरफ, तो आप भी लो एंजॉयमेंट ऊपर का। तो एक साइड में नदी है जी हमारे, तो एक साइड में ये लैंडस्लाइडिंग हुई है, देखो पत्थर रोड पर आए हुए हैं, आगे भी आपको दिखाएंगे। तो ग्रीनरी भी काफ़ी खूबसूरत है। तो मेरा जो घोड़ा है देखो क्या फर फर कर रहा है, ये भी कर रहा है। अपने तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस साइड में जो है काफ़ी तेज पानी चल रहा है, और तो ये आगे कुछ रोड वालों की गाड़ियां भी जा रही हैं। तो तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेज आवाज आ रही है पानी की। तो सिंध रिवर है ये, सिंध नदी है ये। ये कुछ लोग जो है वो पैदल भी चल रहे हैं, तो आप इसका नज़ारा देखिए कितना अच्छा है। तो लो जी देखिए ये नज़ारा, सिंध नदी का पानी कितना खूबसूरत है, वाइट कलर का पानी है जैसे दूध होता है, और बड़े बड़े पहाड़ हैं, देखो पत्थर कितने बड़े बड़े हैं। तो यहाँ से अभी ये 10 किलोमीटर दिखा रहा है ये सोनमार्ग, तो अभी तक तो कहीं लैंडस्लाइडिंग हमें दिखी नहीं जी जो हुई हो। ये जो ड्राइवर भी हैं वो भी कहते हैं लैंडस्लाइडिंग हुई है जी, इसलिए आगे घोड़े चलते हैं। तो चलो आगे देखते हैं जी, ऐसा कुछ है तो आपको बताएंगे, तो नहीं तो आप पैदल भी जा सकते हैं अगर पैदल चलना है तो। ये देखो ये पैदल लोग जा रहे हैं, आगे भी कुछ घोड़ों पर भी जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बढ़िया इधर के मौसम के हिसाब से है, क्योंकि आज ठंड है तो सूरज निकला नहीं है, तो आज मौसम भी जो है ऐसे बर्फ़ वाला ही है। तो ये देखिए ये प्रोफेशनल कैसे भाग रहे हैं घोड़े लेकर, तो काफ़ी अच्छा मौसम है इधर का। गाइस यहाँ पर चल रहा है जी अभी काम टनल का, दरमोर टनल है ये, तो इसका काम चल रहा है अभी। तो ये फिर 12 महीने सोनमार्ग तक खुला ही रहेगा। तो इस साइड में चल रहा है जी काम टनल का। तो ऐसे ही नज़ारे हैं जी चारों ओर इधर। तो भाई ये ट्रक वगैरह ही इधर जा रहे हैं, बाकी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो नहीं इधर जा रही, और घोड़े जा रहे हैं जहाँ लोग पैदल जा रहे हैं, क्योंकि ये काम काफ़ी चल रहा है इधर। ऊपर आप देख सकते हैं ये ट्रक्स वगैरह जो है टिप्पर वगैरह है चल रहे हैं, तो ये काफ़ी इन्होंने तोड़फोड़ इधर कर रखी है, तो इसलिए जाने नहीं देते, तो घोड़े ही सिर्फ जाते हैं। तो अभी काफ़ी लंबा रास्ता है आगे भी, तो अगर तो ये है ये ऊपर का नज़ारा। जो सोनमार्ग है वो 7000 फीट की ऊंचाई पर है जी। तो ये देखो जी हम चल पड़े घोड़ों के ऊपर, तो ये 8-10 किलोमीटर ऐसे ही हम जाएंगे। तो ये देखो आप देख सकते हैं कि इधर सारा ऊपर काम चल रहा है, तो वो ऊपर टनल बन रही है, तो ये उधर से सारा टिप्पर वगैरह ऊपर से आ रहे हैं, इसलिए गाड़ियां यहाँ आने नहीं दे रहे।
नहीं तो लास्ट टाइम जब मैं इधर आया था तो गाड़ियां ही सीधी सोनमार्ग तक जाती थी, तो इधर ऊपर जो है जी वहां टनल बन रही है। और ये देखो ये नज़ारे, और बहुत खूबसूरत है, ठंडी हवा चल रही बर्फ़ वाली। तो ये है मेरा घोड़ा, तो आप इधर देख सकते हैं पीछे रिवर कितना खूबसूरत है, और ऊपर हरियाली है सारे। तो पीने के लायक ये सारा पानी है जी जितना भी है। तो चलो फिर मिलते हैं जी आगे। चलो भाई CS2 की पार्क जी कहते हैं जी वो आ गई है, इतने थोड़ी बहुत एक्टिविटी है इन्हें पर ज़्यादा तो नहीं है, पर तुसी इस जगह पर जी इस रिवर का ही आनंद ज़्यादा ले सकते हो कि बहुत वधिया खूबसूरत नज़ारे ने, बहुत ज़्यादा जी बर्फ वगैरह वो तो है नहीं जी इस जगह पर, ठीक ठीक ही है, तो टूरिस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है जी, थोड़ी टूरिस्ट ने इस जगह पर भी, तो बोल के यही आते नहीं कि तुहानू अगे तक लेके जावांगे, पर अगे लेके नहीं जाते। तो पुलिस वाले भी इत्थे एक दा आदमी है जी खड़ा, वो भी कहिंदा जी नहीं जी अगे नहीं जा सकते, तुसीं पैदल भी नहीं जा सकते। तो तुसीं ये नज़ारा इत्थे ले सकते हो जी। तो जिहड़ी वो सामने वाली तुहानू दिख रही है जी वाइट स्नो इस जगह के उपर, ये देखो ये लॉज नज़ारे, सिर्फ ये रोड वाली ही जिहड़ियां गड्डियां ने जी वही इत्थे जा रही ने, बाकी अगे सारा तकरीबन बंद ही है जी। तो ये देखो जी लो जी तुसी इस जगह के नज़ारे, तो फिर असी उस साइड में दूसरी साइड में चलते हैं जी, तो देखते हैं क्या क्या है जी इस जगह के उपर। ठंड बहुत ज़्यादा जी अज, तुसी भी इंजॉयमेंट करो जी। देखो जी अगर किसी ने आना है तो ग्लव्स वगैरह गर्म जराबा अपनी लेके आन, क्योंकि इस जगह के उपर काफ़ी महंगा समान बेचते ने जी। तो खूबसूरत नज़ारा जी, तो चलो जी फिर देखते हैं जी क्या क्या इत्थे है अगे और की है जी, चलते हैं जी। अगर हो सकिया तो इस गेट के नज़ारे भी तुहानू दिखाने जी, सिकिंग वगैरह स्लाइजिंग वगैरह वो काफ़ी एक्टिविटी है नहीं जी इस जगह के उपर। तो चलो जी फिर मिलते हैं थोड़ी देर तक। यहाँ पर भाई लोगों ने ये देखो जी आग जलाई हुई है, तो हाथ वगैरह सेकने के लिए कि ठंडा मौसम काफ़ी है इस जगह पर। तो ये एक वैन है, तो ये इजाज़ भाई अंदर कुकिंग कर रहे हैं, तो ये चाय वगैरह बनाते हैं, खाना वगैरह मैगी वगैरह यहाँ पर। तो कभी किसी ने आना हो तो देखते हैं क्या रेट लगाते हैं, तो इनके पास आना। तो इजाज़ भाई ये लाइव चल रही है आपकी वीडियो, हाँ ये ध्यान रखना, तो आप इस टाइम यूट्यूब पर हो जी हमारे रियाज भाई जी। तो ये यहाँ पर चाय वगैरह मैगी वगैरह बनाते हैं, ये कुकर में पता नहीं चावल चूल बनाएंगे या दाल क्या बनाते हैं, मैगी या ये मैगी बनाने लगे हैं। तो हमने भी इनसे चाय बनवाई है, चाय काफ़ी टेस्टी है। तो अभी ये देखो ये मैगी बनाएंगे, तो किसी भी भाई ने कुछ खाना पीना हो तो ये इनकी वैन है, ये वैन में सब कुछ होटल जैसा इन्होंने किया हुआ काम, तो बढ़िया बना के देते हैं। हमने चाय पी है तो बहुत अच्छी है, तो आप भी यहाँ पर कभी भी आए तो इनके चाय वगैरह जो भी खाना पीना यहाँ से खा के जाएँ। कितने पैसे लोगे? जो जायज़ है, हमने 10-15 मिनट ज़्यादा ज़्यादा 2 घंटे नहीं लगाने, जो जायज़ है वो मांगना है। 3250 रुपये गवर्नमेंट प्राइस। कितना? 3250। अच्छा टाइम आपका? टाइम तो हमारे पास ही नहीं है, वही इसलिए मैंने आपको 7:30 से बताया कि वो आपको 5-10 राइड करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ वही करोगे, इसलिए मैंने आपको जायज़ बताया, नहीं तो 3200 अगर हम आपको बता दें टाइम, उसमें आप
कहाँ पूरा दिन कर रहे, 3200 में पूरा दिन। कल हम वहाँ गुलमर्ग में करके आए हैं, ठीक है, बहुत कम पैसे थे, अब ऐसे जाते हैं, जैन मांगो हम चलते हैं आपके साथ, कोई नहीं दिल्ली चलो, आप भी बोलो। नहीं हम नहीं बोलेंगे, वो घोड़े वाला भी है ना, उसने थोड़ा सा खराब किया, हमारा 5 साल का बंदा है वो, समझता ना आपको, उसने बोला क्या था, कहता वो आगे वाली पार्क है ना जहाँ मेरी गाड़ी में जाते हो, वहाँ से छोड़ेंगे, जहाँ वो मार्केट वगैरह वहाँ छोड़ देंगे, तो ये तो गलत बात है कि बोलो कुछ और करो कुछ, अब उसके साथ जाके बात करूँगा, आप बोलो जो जायज पैसे लेने हैं, 3 बंदे हैं जो जायज पैसे लेने हैं वो बताओ, आप भी बताओ आपको जो जायज लगे, आप बोलो, हमने वो इधर 10-15 मिनट इधर उधर करेंगे और क्या करना, हमने सिर्फ 500 करना आपकी वजह से, और आपको मजा आना चाहिए, ऐसा है एक ही बात बोलूँ ज्यादा नहीं, 300-300 रुपया देंगे, 900 रुपया अभी चाय पी लें फिर चलते हैं। हाँ अंदर जाने के जी भाई साहब 20 रुपीज की एक टिकट देंगे, तो वो हम लेते हैं इनसे, तो भाई साहब काफी खुश हैं, ये देखो क्या नाम है भाई साहब आपका, आदिल अहमद रैना, वेरी गुड नाम, इनका सबसे डिफरेंट नाम सुना है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तो चलो जी अब हम आगे चलते हैं, भाई साहब को देते हैं पैसे, तो आप भी लो जी नज़ारे, तो हम भी लेते हैं नज़ारे पूरे यहाँ के और देखते हैं क्या क्या है, तो इस साइड में भी आप देख सकते हैं आवाज़ पानी की कितनी तेज़ है, और आप जान सकते थे ये ऊपर से पानी सारा बर्फ़ का पिघल कर आ रहा है ऊपर से इधर से, तो चलो जी फिर हम चलते हैं, तो नीचे जहाँ से हम जा रहे हैं ये सारी आईसी है जी, तो चलो जी तो हम ये बाई से हम के साथ चलेंगे जी, तो ये हमें सिखाएंगे सब कुछ, तो ऐसे भी होगा, yeah.
भाई क्या नाम है आपका? जावेद। तो ये जावेद भाई जी हैं जिन्होंने हमें स्की की ट्रेनिंग दी है और ये बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। चाहे सारा दिन लगे रहो, पैसे जाए जाए इनके, कभी भी आपने इधर आना हो तो इनसे ज़रूर मिलिए, जावेद भाई से। तो ये अच्छे एक ट्रेनर हैं और आपको चाहे पूरा दिन करो, चाहे दो घंटे करो, चाहे एक घंटा इनके साथ आप टाइम स्पेंड करो, आप खुश दिल इंसान हैं। तो अपना भाई नंबर बोलो, मोबाइल नंबर क्या? आप मेरा मोबाइल 9622523603। तो नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप जब भी आए इन भाई से ज़रूर यहाँ पर मिलें, और खुश दिल इंसान हैं इनके साथ, इनकी भी रोजी रोटी हमारे ही सारे चलती है, क्योंकि हम टूरिस्ट इधर आते हैं तो खुश रहते हैं, ये भी हमें खुश। तो आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, इधर खुश रहो और जब भी कभी आओ तो इन भाइयों से ज़रूर मिलो, क्योंकि लॉकडाउन के बाद पहली बार यहाँ पर खुला है मौसम, तो हमें भी मौका मिला है, तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। थैंक यू। तो गाइज़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नदी कितने उफान पर है और पानी पूरा जोरों पर है इसमें, और जो पीछे की सीनरी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आप देख सकते हैं कि इधर सारे एक्टिविटी हो रही है। अब तो ये जो मेरे पीछे वाला रोड है आप देख सकते हैं, ये आगे किसी को जाने नहीं देते, जो कि मेन सोनमार्ग है वहाँ जाने नहीं देते, तो यहीं पर ही सारी इन्होंने एक्टिविटी करती है आगे, क्योंकि रोड वगैरह बन रही है और लैंड स्लाइडिंग हो रखी है, तो वो सारा कुछ बंद है, तो यहीं पर ही इन्होंने सारा कुछ कर दिया है जी। तो आप जब भी आएँ ये तो इधर ही नहीं, तो फिर मार्च के बाद ये रास्ता खुल जाएगा आगे के लिए, तो आप सोनमार्ग वगैरह जा सकते हैं, वहाँ भी यही एक्टिविटी मिलेगी। तो बार्गेनिंग जरूर कर लेना इनके साथ, अगर 1500 मांगते हैं तो 800 में ये मानेंगे, अगर ये 1500 दो बंदों का कह रहे हैं तो 600 में दो बंदों की यहाँ कर देंगे। तो गुलमार्ग से काफ़ी रेट सस्ते हैं यहाँ पर, जो भी आपने एक्टिविटी करनी है उसके रेट काफ़ी अच्छे मिलेंगे इस साइड में आपको, क्योंकि इस साइड में थोड़े से टूरिस्ट कम हैं, क्योंकि जगह वो गुलमार्ग में काफ़ी बड़ी वैली है, यहाँ पर उतनी बड़ी वैली नहीं है, तो जो मेरे आप पीछे देख रहे हो यही है, पर यहाँ भी काफ़ी टूरिस्ट है और बढ़िया जगह है देखने के लिए। तो चलो अब हम यहाँ पर फोटो सेशन वगैरह करते हैं, काफ़ी खूबसूरत आएगा। तो देखो जी अभी आगे, तो फिर हम यहाँ से थोड़ी ब्रेकफास्ट तो सुबह किया था, अब लंच करके तो फिर वापस चलेंगे। तो चलो जी मिलते हैं फिर, ओके जी बाय बाय। तो देखो जी आप इस साइड में भी, और जो वाटर है वो शीशे की तरह बिल्कुल साफ़ है और ग्रीन कलर का दिख रहा है जी, तो बहुत अच्छा है। तो ये वाली रोड है जो ये सिर्फ जो टनल बना रहे हैं वो वाले ही टिप्पर आगे जाते हैं, ये बाकी किसी को नहीं जाते जाने देते, पीछे नाका लगा हुआ है जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटो सेशन कितना खूबसूरत हो सकता है। तो मार्च तक यहाँ पर है, तो फिर मार्च के बाद आगे रास्ता खुल जाएगा, तो फिर आप आगे का भी पूरा नज़ारा ले सकते हैं। तो चलो जी फिर कभी लेट आए हम इधर मार्च के बाद, अगर नेक्स्ट ईयर आए तो आपको फिर वहाँ का भी खूबसूरत नज़ारा दिखाएंगे जी। तो चलो जी फिर थोड़ी देर तक दोबारा मिलते हैं। आप एक सब मेरे को देख सकते हैं कि मैं इस टाइम ये जो दरिया है इसके अंदर हूँ जी बैठा हुआ, और मेरे चारों तरफ पानी ही पानी है, देखो कितने अच्छे नज़ारे हैं। और यही पानी मैंने दो तीन बार पिया है जी, बहुत अच्छा पानी है, मिनरल वाटर भी इसके आगे फेल है, ये नेचुरल ऊपर से पहाड़ों से या पेड़ों से टकराता हुआ नीचे पानी आता है जी। तो यहीं पर काफ़ी लोग जो है फोटोशूट वगैरह कराने के लिए बैठते हैं, तो है तो सारा पानी ही पानी है जी इधर देखो। तो सोनमार्ग का यही नज़ारा है जी देखने के लायक, और हो सकता है कि मेरी आवाज़ कम आ रही हो क्योंकि पानी की जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो आप ये देख सकते हैं नज़ारा जी। तो इस तरफ मेरे जो है वो बर्फ ही बर्फ है, तो आप ये पानी आप देख सकते हैं ये कितना साफ़ है, पीने लायक पानी है ये। तो ये देखो जी बिल्कुल साफ़ पानी है, तो लोग सारे इधर से ही जो जिनको पता है कि ये पी सकते हैं वो पानी यही पी लेते हैं।
तो 60 रुपीज़ की बोतल देते हैं यहाँ मिनरल वाटर की। तो देखिए आप इसका नज़ारा, जो है बेसिकली नदियों से घिरा हुआ है जी चारों तरफ से, इसकी यही खासियत है। तो ये साथ में हमारे जो आपको दिख रहा है ये रोड है जी, ये रोड तकरीबन बंद है सारा, स्नोफॉल काफ़ी हो चुकी है और लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है। तो ये मार्च में खुलेगा तो आप मार्च के बाद आगे जा सकते हैं। तो जब आप आएंगे तो आपको भी लगेगा कि यहीं एक रात बिताई जाए, पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, माइनस में टेम्परेचर जो श्रीनगर में ही होता है 8-9, तो इस जगह का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना माइनस में जाता होगा टेम्परेचर। तो भाई ये वाला जो रास्ता है ये पहले यहाँ से जाता है सोनमार्ग आगे, तो सोनमार्ग से आगे आ जाता है आपका 0 पॉइंट, यहाँ के बे इंतहा बर्फ़ होती है कि आप वहाँ चल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल वहाँ पर होती है क्योंकि वो ऊंचाई पर है। उसके आगे फिर आ जाता है जी कारगिल, कारगिल के आगे आ जाती है लद्दाख। तो ये वाला रोड जो है ऊपर वाला ये सीधा लद्दाख तक रोड जाता है यही, पर इस टाइम यहाँ से ही सोनमार्ग से ये बंद किया हुआ है जी। तो सोनमार्ग से ये जो तकरीबन जी 5-6 किलोमीटर हम पीछे हैं, तो यहीं पर सारी एक्टिविटी हो रही हैं, आगे कुछ नहीं है जी, आगे स्टॉप किया हुआ है, पुलिस खड़ी है, आर्मी खड़ी है। तो आपने अगर मार्च से पहले आना है तो इसी जगह का आप आनंद ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी जगह है ये। तो लो गाइस फिर आज का ब्लॉग असं इतें समाप्त करते हैं जी, तो काफ़ी असी घूम फिर लिया 3-4 घंटे इस जगह के उपर, तो आशा करते हैं कि तुहानू ब्लॉग साडा ये पसंद आया होएगा। तो तुसी लाइक और शेयर और सबसक्राइब जरूर करो मेरा चैनल, और मैं नवी तो नवी वीडियो तुहाडे वास्ते लैके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस तरह नदियों का रंग देखो जी, ग्रीन वाइट, कई तरह का पानी है, और यहाँ के यही नज़ारे हैं जी।